अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दगनी खबरनामे में अच्छी अच्छी खबरें लेके मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मिनाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियाँ देखो। वरुण गांधी रास्ता भटक गए, उनको आप लोग यहाँ रास्ता दिखाओ, ये बात प्रियंका गांधी बोले। वो दिन दूर नहीं जब सोनिया गांधी के दामाद जेल में होंगे, बीजेपी की उमा भारती की धमकी। 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी आंध्र के उम्मीदवारों के नाम पेश करेंगी, ये बात रघुवीरा रेड्डी बोले। जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की धोखाबाजी की तरफ से स्टेट के दो टुकड़े हुए, ये इल्जाम समेख्या आंध्रा के लीडर तुलसी रेड्डी लगाए। साउथ सेंट्रल रेलवे वाले बोले इन लोग 25 अप्रैल को सिकंदराबाद से नई दिल्ली को जाने के वास्ते नए ट्रेन निकाल रहे थे। साउथ सेंट्रल रेलवे वाले थोड़े दिन पहले सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के वास्ते खास ट्रेन निकाले थे और अब 25 अप्रैल से सिकंदराबाद से नई दिल्ली को जाने के वास्ते नए ट्रेन निकालने वाले हैं कहते। कई को बोले तो ये छुट्टियों का सीजन है और ट्रेनों में बहुत रश रहती कहते। ये ट्रेन 25 अप्रैल को 10:10 पे सिकंदराबाद से निकलती और दूसरे दिन 1:10 पे नई दिल्ली में रहती कहते। और रास्ते में ट्रेन खाली 5 जगहों पर रुकती कहते, मतलब रामगुंडम, नागपुर, भोपाल, झांसी और आगरा में ये ट्रेन रुकने वाली है। मेदक के एमएलए जगारेड्डी अपने हलके के लोगों को फोना और कुकरा दे रहे बोल के पुलिस वाले इनको पकड़ लिए। ऐसा मालूम है जगारेड्डी ये सेम चीज़ें यानी फोना और कुकरा लोगों में इनकी बीवी की बर्थडे है बोल के सिकंदराबाद के एक फंक्शन हॉल में बांट रहे थे कहते। जैसा लोग आना शुरू हुए जगारेड्डी इनके चाहने वालों को इशारा दिए कि ये सब चीज़ें इन लोगों में वोट डालने के वास्ते बांट दो। पुलिस वालों को मालूम होते पुलिस वाले वहाँ पर आके फोना और कुकरा पूरे पकड़ लिए और जगारेड्डी के खिलाफ एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करें और इसके साथ साथ इन्होंने तेलुगु देशम के बड़े एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी बहुत कुड़कुड़ा लिए। जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त बोले, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी का दौर सोने का दौर के जैसा था। इन्होंने बोले कोई भी लीडर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के जैसा स्टेट में हुकूमत नहीं करा। इन्होंने बोले वाईएसआरसीपी भी स्टेट के डेवलपमेंट और लोगों की भलाई के वास्ते काम करेंगी, इस वास्ते इन्होंने तेलंगाना और सीमांध्रा के वास्ते अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज करे। इन्होंने बोले बाबू को मीडिया को कैसा संभालना अच्छी तरीके से मालूम है। जगन बाबू के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए बोले बाबू के दौर में बाबू की वजह से 26,000 लोगों के नौकरियां चले गए थे और बाबू के दौर में आईटी कंपनियों में काम करने वाले खाली 81,000 लोग थे। वो डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में 2,35,000 लोग आईटी में काम कर रहे थे कहते। इसके बाद इन्होंने कितने की चीज़ें ऐसी बता के आखिर में बोले कि वाईएस राजशेखर रेड्डी का दौर बाबू के दौर से बहुत अच्छा था और बाबू खाली सबको धोखा देने वाले छे कहते। वास्तव में चेप्पाली अंटे मैनिफेस्टो रिलीज चेयडम अन्नदि इवाल एदो कोत्तगा चेस्ता उन्न अंशं कादु। कारणम एमिटि अंटे इंदुलोनि चाला अंशालनु గత నాలుగేళ్లుగా ప్రతి సందర్భంలోనూ నేను చెప్తూనే వస్తున్న అంశాలే. సెంటర్ కే మినిస్టర్ జయరామ్ రమేష్ కాంగ్రెస్ కా మేనిఫెస్టో జో తెలంగాణ మే రిలీజ్ హువా ఇస్కి బహుత్ తారీఫ్ కరే। सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस वाले तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो रिलीज करे वो बहुत अच्छा है और इसकी वजह से लोगों के घरों में दिवाली आ जाएंगी कहते। इन्होंने टीआरएस के मैनिफेस्टो पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, टीआरएस का मैनिफेस्टो दिवालिया के जैसा है। इन्होंने बीजेपी के ऊपर पुकार लेते हुए बोले, बीजेपी वाले इनका मैनिफेस्टो रियासत में पहले फेज के इलेक्शन चल रहे वक्त रिलीज करे तो इससे समझ सकते कि इन लोग आवाम के बारे में कितने सीरियस है। वरुण रास्ता भटक गया, उसे सही रास्ता दिखाओ, ये बात प्रियंका गांधी बोले। वरुण गांधी की चचेरी बहन प्रियंका गांधी पहली बार मुंशीगंज में अपने से 8 साल छोटे वरुण गांधी के खिलाफ मुंह खोले। इन्होंने बोले वो हमारा रिश्तेदार ज़रूर है मगर इन्हें रास्ता भटक गया। लोगों को प्रियंका गांधी मशवरा दिए, आप लोग भी हमारे अपने लोग हैं, छोटों से गलती हो गई तो बड़े लोग अपना अच्छा बुरा समझना पड़ता, आप लोग वरुण गांधी को समझाओ। वरुण गांधी सुल्तानपुर हल्के से ठहरे हुए हैं, इनके मुकाबले में कांग्रेस से अमिता सिंह ठहरे हुए कहते। वो दिन दूर नहीं जब रॉबर्ट वड्रा जेल में होंगे, ये बात मीडिया से उमा भारती बोले।
झांसी से बीजेपी के उम्मीदवार उमा भारती मीडिया से बात करते हुए बोले, एनडीए की सरकार बनी तो हरियाणा में जमीनों की हेरा फेरी करने वाले सोनिया गांधी के जनवाई बाबू जेल में रहेंगे। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी बोले, 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी आंध्रा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी। कदे रघुवीरा रेड्डी मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, 175 आंध्रा असेंबली सीटों के वास्ते कांग्रेस पार्टी 142 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली और 25 पार्लियामेंट के सीटों में से 20 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की तैयारी कर ली। 5 सीटों के वास्ते उम्मीदवारों के नामों को तैयार करने के वास्ते इसलिए मुश्किल हो रही कि हमारी पार्टी के लीडर पार्टी छोड़ के तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मिल जा रहे हैं। समय के आंध्रा लीडर तुलसी रेड्डी बोले, चंद्राबाबू और जगन के धोखे से रियासत के दो टुकड़े हुए गए। तुलसी रेड्डी कड़पा डिस्ट्रिक्ट के खित्ते के इलाकों में घर घर जाके लोगों से मिलके बोले, चंद्राबाबू जगन और कांग्रेस के लीडर मिलके रियासत के दो टुकड़े कर दिए गए, जिससे आंध्रा के लोगों को बहुत ही नुकसान हो गया। खासतौर पर यूथ को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और दूसरे प्रॉब्लम होते गए। इन्हों बोले, पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी रियासत के टुकड़े करने से रोकने की नाकाम कोशिश करे गए। जुम्मे के दिन सिटी पुलिस ये ऑर्डर दी कि हैदराबाद के हद तक हनुमान जयंती के मौके पे पूरे शराब की दुकान बंद रहेंगे। कदे कुलसुमपुरे के इलाके सब्जी मंडी में एमआईएम का जलसा हुआ। जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तकरीर करते हुए अब की बार भारी अक्सरियत से हर जगह मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाओ बोल के अपील करें। इन्हों बोले, जो लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड आनी है, पहली फुर्सत में वो लोग कार्ड बना लियो। इन्हों बोले, हर आदमी मजलिस को ताकतवर बनाने में अपना रोल अदा करना कहते। इस मौके पे समद वारसी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फारूक के अलावा बहुत पब्लिक आई थी। बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इतवार के दिन साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के घर को जाके इनसे एक पर्सनल मीटिंग करे गए। ऐसा मालूम हुआ, नरेंद्र मोदी इतवार को शाम में 5 बजे सुपरस्टार रजनीकांत के घर को जाके एक पर्सनल मीटिंग करने वाले हैं। ये बात बीजेपी के तमिलनाडु इंचार्ज पी मुरलीधर राव एक सोशल नेटवर्क ट्विटर पे बोले, असल में मोदी तमिलनाडु में जलसा करने वाले हैं कहते। इस वास्ते मोदी रजनीकांत से मिलना चाह रहे हैं। पार्टी वाले ये सोच रहे हैं कि अगर इन लोगों को रजनीकांत का सपोर्ट मिल गया तो इनकी पार्टी को खाली तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे दूसरे रियासतों में भी फायदा होता कहते। अब देखना यह है, सुपरस्टार रजनीकांत मोदी को सपोर्ट करते या नहीं करते। राजस्थान में 25 पार्लियामेंट सीटों के वास्ते कितने की बड़े बड़े लीडरों का सियासी करियर दांव पे लगे हुआ है। राजस्थान के 25 पार्लियामेंट सीटों के वास्ते कितने की बड़े लीडर जसवंत सिंह, डॉक्टर गिरजा व्यास, डॉक्टर सीपी जोशी और राजस्थान कांग्रेस के बड़े सचिन पायलट, सेंटर मिनिस्टर चंद्रेश कुमारी और जितेंद्र सिंह अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का सियासी करियर दांव पे लगे हुआ है कहते। बीजेपी वाले कांग्रेस के कर्नल सोनाराम को अपनी पार्टी में मिला के कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिए, मगर दूसरी तरफ जसवंत सिंह और सुभाष मेहयारी बीजेपी को छोड़ के आज़ाद उम्मीदवार ठहर रहे, जिसकी वजह से बीजेपी वालों को रियासत में मोदी लहर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही। मगर राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे पूरे 25 पार्लियामेंट सीटों के वास्ते बीजेपी के हक में मुहिम चला रहे हैं। तिरुपति के एमपी चिंतामोहन इंदिरा भवन नेल्लूर में मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, अब के मुल्क में कौन सी भी पार्टी अक्सर वोटों से नहीं जीत सकती। इन्हों बोले, इस वास्ते लोगों को 2016 में मिड टर्म इलेक्शनों का सामना करना पड़ता कहते। गोलकुंडा मोती दरवाजे कने हफ्ते की रात को एमआईएम की तरफ से एक जलसा हुआ। इस जलसे में सैयद अहमद पाशा खादरी और मेयर माजिद हुसैन लोगों से बातें करते हुए पतंग को वोट डाल के मजलिस को जिताओ बोले। इस वक्त उनके साथ कारवान से एमएलए के उम्मीदवार कौसर मोहियुद्दीन, अजीज पाशा के अलावा कितने के लोग आए हुए थे। जलसा है जो कारवान असेंबली हल्के के लिए और सदर मजलिस के कामयाब इलेक्शन के लिए यहाँ पे मुंतखब किया गया है। इलेक्शन एक ऐसा वक्त होते हैं जहाँ पे जो
जो 5 साल में कभी नहीं नजर नहीं आते वो एकदम आपके दरमियान में आ जाते हैं और आपसे हमदर्दी का दावा करते हैं। आप देखेंगे कई सियासी जमातें आपके दरमियान में आएंगी, कई किस्म के बातें करेंगी, कई किस्म के दावे करेगी। आजकल तो मैनिफेस्टो का सीजन है, जहां कांग्रेस ने पिछले 10 साल में नहीं किया फिर से वही बात हमारे सामने ला रही है, फिर से वही साफ हमें दिखा रही है, फिर से हमें हथेली में जन्नत बता रही है। तो वहीं पे बीजेपी है जो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की तामीर लिखी है, हमारे मदरसों में दखल अंदाजी लिखाया गया है, हमारी शरीयत को खत्म करने की कोशिश की गई है। वो सियासी तौर पर हमको हल करना पड़ता है, इसीलिए हमारे जो मसाइल है वो मोती दरवाजे के इलाके में मसाइल को हल नहीं किया जाता, वो रितारा बाजार के बड़े प्ले ग्राउंड पर उसको हल नहीं किया जाता, ना लाल बहादुर स्टेडियम में उस मसले को हल किया जाता है, बल्दी बर्फी आबरदारी के मसाइल है तो ऐवान बदिया में हल किया जाता है। हमारी रियासत के कानून के कानून साजी का अगर कोई काम है तो ऐवान असेंबली में किया जाता है। मुल्क की सलामती और मुल्क के बैनास मुल्क के दीगर उमूर पर पार्लियामेंट में उन मसाइल को हल किया जाता है, इसीलिए हमारे नुमाइंदों का वहां होना जरूरी है। उसकी वजह खास वजह यह है कि मजलिस कामयाब होने के बाद अपने इलाकों में अपने आवाम से अपने राबते में रहती है। ये वो वाहि जमात है साल के 12 महीने हालात हाजरा के जल्दों के जरिए आवाम के दरमियान रहती है, आवाम पर जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उनके दरमियान पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करना मजलिस मुस्लिमीन का अपना एक अलायदा इनकी राजियत है, अलायदा इनकी शिनाख्त है। एमआईएम की तरफ से कारवान के एमएलए की सीट के वास्ते ठहरे हुए हैं सो कौसर मोहियुद्दीन जियागुड़ा के अलग अलग इलाकों का पैदल दौरा करके वोट देने की अपील करें। उनके साथ समद वारसी और कालिया पहलवान भी थे। को एक वोट डालना है, कौसर भाई को एक वोट डालना है, 30 तारीख के दिन अपने पास पोलिंग है, उसके बाद दुआ फरमाइए। जो वोट डालना है पतंग के निशान पे, एक एमएलए को है और एक एमपी को है, कौसर भाई अपने एमएलए है, मैं की तरफ से कौसर भाई एमएलए है, दो वोट डालना है। सलाम वालेकुम। 30 तारीख को इलेक्शन, ये कौसर भाई नए एमएलए साहब ठहरे और असद को एक वोट डालना है, कौसर भाई को एक वोट डालना है 30 तारीख के दिन पतंग। राजेंद्र नगर के इलाके 9 नंबर पे हफ्ते की रात को मजलिस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद का जलसा हुआ। जलसे में जाकिर हुसैन जावेद तकरीर करते हुए लोगों से बोले, आप लोग राजेंद्र नगर हलके से दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के देख लिए, एक वक्त मजलिस के उम्मीदवार को जिता के देखो। अभी तक दूसरी पार्टियों के एमएलए जो जो कामा नहीं करे वो सब कामा मजलिस करके राजेंद्र नगर को तरक्की देंगी। इन्हों बोले 30 अप्रैल को सुभाष घर के पूरे लोग जाके मजलिस के निशान पतंग को वोट डालना। उस वक्त जलसे में कॉरपोरेटर अम्मे अजीज के अलावा मजलिस के बहुत से कारकुना भी थे। बीजेपी के ऑफिस नामपल्ली पे इतवार के दिन 100 से 150 नौजवान जाके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी से मिलके बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा बाबा रामदेव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी आके किशन रेड्डी से मिले और बोले, हम लोग घर घर जाके किशन रेड्डी को अमर बेट से जिताएंगे और नरेंद्र मोदी मुल्क के पीएम बनना बोल के पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पे वो लोग कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। भारत गवर्नमेंट पक्षा मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद तेजेस्ना अदे विधा अंबरपेट नीचे वो एमएलए का संपूर्ण मजाई मोसारी विजय साधि। नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में इतवार के दिन पंडिता खसूसी पूजा करे, ये पूजा मुल्क में अमन रहना और अच्छी हुकूमत बनना बोल के करे गए। पूजा में तेलुगुदेशम के बड़े चंद्राबाबू नायडू और बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय भी आए थे। हलके असम्बली राजेंद्र नगर के एमएम के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद और चारमीनार हलके असम्बली के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी हसन नगर जहरा नगर में रखे सो एक मीटिंग में बात करते हुए बोले, एमएम लीडराना साल भर लोगों के बीच में रह के उल्ला के प्रॉब्लम मालूम करते,
ये मीटिंग में हबीब जैन आरिफ के अलावा और दूसरे कितने के लोग आए हुए थे। नारसिंगी और दूसरे एरिया में 13 अप्रैल को सरपंच के इलेक्शन हुए। राजेंद्र नगर के सर्कल इंस्पेक्टर कुशाल की निगरानी में ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम रखे थे। कहते जीडी मेटला पुलिस स्टेशन एरिया में जगतगिरी गुट्टा राजीव गुरहा कुलपा के क्वार्टर नंबर 44 के रूम नंबर 5 में 40 साल के बीमलेश खुदकुशी कर लिए। जीडी मेटला पुलिस तहकीकात कर रही। तेलुगुदेशम के बड़े चंद्राबाबू नायडू हल्के असेंबली खुदबुल्लापुर म्यूनसिपल ग्राउंड की एक मीटिंग में बात करते हुए बोले, कांग्रेस और टीआरएस पार्टी दोनों धोखा देने वाले पार्टियां हैं। कहते चंद्राबाबू नायडू खुदबुल्लापुर हल्के असेंबली के तेलुगुदेशम लीडर विवेक गौड और मल्काजगिरी पार्लियामेंट के तेलुगुदेशम उम्मीदवार मल्लारेड्डी की तायद में रखे सो तेलुगुदेशम की मीटिंग में बात करते हुए बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट में लोगों के प्रॉब्लम दूर होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गए। पीने की पानी की प्रॉब्लम, ड्रेनेज लाइन की खराबी, लोगों को घंटे करंट नहीं रहना, करप्शन में इजाफा, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ। और लोगों के ज़मीन भी लेके सेल कर देना, जिसकी वजह से कितने की प्रॉब्लम आ रहे थे। इस वास्ते आप लोग तेलुगुदेशम की तायद करो बोल के चंद्रबाबू नायडू अपील करें। तेलुगुदेशम पार्टी गौरवनीय అదే మాదిరిగా ఈరోజు మేడ్చల్ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి గౌరవనీయులు జంగయ్య యాదవ్ గారు, ఖుద్బుల్లాపూర్ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి గౌరవనీయులు, మీ అభిమానం చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది అదే మరిగా బీజేపీ తప్ప ఇంకోటి లేదు. మా పిల్లలు కూడా వచ్చారు, స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా అభినందనలు. ఈరోజు ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమైంది. మొదటి మీటింగ్ ఇక్కడ ఖుద్బుల్లాపూర్ లో పెట్టాం. మీ ఉత్సాహం నేను చూస్తున్నాను. దుర్మార్గం కాంగ్రెస్ దొంగలు. वेंकैया नायडू बोले, इनके हवाई जहाज को कुछ भी नुकसान इस वास्ते नहीं हुआ। कई को बोले तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम की हैसियत से देखना चाह रहे थे। लोकसत्ता लीडर जयप्रकाश नारायण पार्लियामेंट हल्के मल्काजगिरी में पैदल दौरा करके लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे। लोकसत्ता के बड़े और मल्काजगिरी पार्लियामेंट हल्के के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण कित्ते की एरियो में घूम के लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे और इन्हों लोगों को बोले, अगर इन्हों जीत गए तो ये सो प्रॉब्लम दूर कर देते कहते, और करप्शन जो भी है इसके वास्ते पार्लियामेंट में आवाज़ लगाते कहते। बिहार स्टेट के 33 पोलिंग बूथों पे 13 अप्रैल को लोग दोबारा वोट डाले। ये पोलिंग बूथों पे हंगामे होने की वजह से फिर वोटिंग रखे। बिहार स्टेट के 6 पार्लिमानी हलकों में 10 अप्रैल को लोग वोट डाले। इनमें से 33 पोलिंग बूथों पे गड़बड़ियां हंगामे होने की वजह से 13 अप्रैल को फिर एक मरतबा लोगों को वोट डालना पड़ा। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक लोग लाइन में खड़े होकर वोट डाले और ये बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी 13 अप्रैल को गांधीनगर में रोड शो करे। अडवाणी रोड शो करते वक्त लोगों से बोले, ये बात पक्की है, अब की एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। नाजरीन आप लोगों को याद होगा, ये अडवाणी जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के वास्ते बीजेपी आगे बढ़े थे, रुस के बढ़ गए थे। ये वो अडवाणी है जिनको गांधीनगर से ठहरो बोले तो चिढ़ के बैठ गए थे। अब इनोच नरेंद्र मोदी की तारीफ में ढोल पीट रहे, शायद ये उनकी मजबूरी होंगी। हल्के असम्बली महेश्वरम के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार सैयद अजीज पाशा एर्राकुंटा मोहम्मद नगर अली नगर और शाहीन नगर में पैदल दौरा करके लोगों के प्रॉब्लम मालूम करें और बोले, इनको इलेक्शन जिता दिए तो इन्हों अच्छे अच्छे काम करते करते। इनके साथ मोहम्मद अफरोज, मीर अहमद अली और दूसरे खित्ते के लोग भी थे। हल्का बहुत बड़ा हल्का है, यानी 4 लाख के लगभग वोट से और 400 जो है ना पोलिंग बूथ थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी कहचंद मैं गलियों में फिर के जो आ रहा हूँ, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर किसी किस्म का जो है ना ड्रेनेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हालांकि पुरानी बस्तियाँ हैं तो मुझे वही ताज्जुब होता है, तमाम लोग आके अपने जो हाल इजहार है
तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से वादा किया है कि ठीक है इंशाल्लाह ताला हम आने के बाद इस तमाम डेवलपमेंट के बारे में हम करेंगे और उसके साथ साथ बिला मजहब व मिल्लत तफरीक के हर एक के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। चूँकि मेरा 40-45 साल का तजुर्बा है, इंशाल्लाह उस तजुर्बे को मैं सामने रखते हुए तमाम लोगों की खिदमत गुजारी करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे जितना भी जो कुव्वत और तकवीत दी है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए मैं इस हलके की डेवलपमेंट के लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो कीमती वोट मेरे हक में जिसका निशान है धनाती और बुट्टा उसके हक में देकर भारी एक सीरीज से कामयाब करें। शुक्रिया। याकूतपुरा हलके असम्बली के MM उम्मीदवार मुमताज अहमद खान संतोष नगर बल्दी डिवीजन में पैदल दौरा करके लोगों से मिले और 30 अप्रैल को MM को वोटा डालो बोले। उनके साथ कॉरपोरेटर वाजिद अली खान और कित्ते की लोग थे। MM से हलके असम्बली चंद्रन गुट्टे के उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी अपने हलके के कित्ते की एरिए सादत नगर गाजी मिल्लत कॉलोनी में दौरा करके लोगों से मिले। लोग इनको जगह जगह फूला पिनाए। इनके साथ कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग समद बिन अब्दात मंसूर अवलखी और दूसरे कित्ते की लोग थे। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में इतवार के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 29,340 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,740 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 24 दर्जे हरारत और ज्यादा से ज्यादा 39 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 41। वरंगल कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। मेदक कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। करीमनगर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। नलगुंडा कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। रंगारेड्डी कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। आदिलाबाद कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। महबूबनगर कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। निज़ामाबाद कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। वरुण गांधी रास्ता भटक गए, उनको आप लोग रास्ता दिखाओ, ये बात प्रियंका गांधी बोले। वो दिन दूर नहीं जब सोनिया गांधी के दामाद जेल में होंगे, बीजेपी की उमा भारती की धमकी। 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी आंध्रा के उम्मीदवारों के नाम पेश करेंगी, ये बात रघुवीरा रेड्डी बोले। जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की धोखाबाजी की तरफ से स्टेट के दो टुकड़े हुए, ये इल्जाम समेक के आंध्रा के लीडर तुलसी रेड्डी लगाए। नाजरीन दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।